कलेक्टर अभिषेक सिंह ने अनोखी पहल पेश करते हुए दस्तक अभियान में गंभीर एनीमिक चिन्हित बच्चों के लिए अपने निवास के कमरे खुलवाकर उनके रुकने और भोजन की व्यवस्था की है। आज जिला चिकित्सा की क्षमता से अधिक बच्चे जिला चिकित्सालय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लाए गए थे। जिला चिकित्सालय में उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर कलेक्टर ने तत्काल लगभग 100 बच्चों के ठहरने की व्यवस्था अपने निवास स्थल पर कर दी। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक गंभीर एनीमिक बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। कलेक्टर ने हर गंभीर एनीमिक बच्चे को जिला चिकित्सालय लाने, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने, रुकने, भोजन तथा वापस घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। कलेक्टर की अपील का जिले में व्यापक असर हुआ है और उनकी अपील के बाद अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी संगठनों, व्यवसायी, युवा सभी वर्ग के लोग आगे आकर रक्तदान कर रहे हैं, जिससे नौनिहालों की जान को किसी तरह का खतरा ना रहे। इसी क्रम में आज 40 व्यक्तियों ने जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया। इस प्रकार विगत 5 दिन में 250 से अधिक व्यक्तियों ने रक्तदान कर दस्तक अभियान में अपनी सहभागिता की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।